दावेदार रहे ना रहे, कुर्सी रहे ना रहे, काम करने वाला शख्स को कभी भी कुर्सी की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो काम करता है और हम लोग वो काम करते आ रहे हैं। ये अपनी कोशिश है, शेख रशीद साहब की क्यादत में इंशाल्लाह इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज कुबा मस्जिद से लेकर बतुल पार्क यहाँ पर कॉन्क्रीट रास्ते का उद्घाटन हुआ, काम की शुरुआत हुई। और इससे पहले भी जो काम की शुरुआत शहर भर में अलग अलग इलाकों में सीमेंट कॉन्क्रीट के रास्ते की तामीर हो रहे हैं, अलग क्वालिटी के, उसी का एक पार्ट है। और ये काम आज शुरू हुआ है और इसको मुकम्मल किया जाएगा। और ये बतुल पार्क कुबा मस्जिद ये जो इलाका है, ये इलाका के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे मसाइल हैं। ज़मीन का भी मसला है, अप्रोच रास्ते का भी मसला है। और इस अप्रोच रास्ते के लिए भी हमारी कोशिश है कि यहाँ के रहने वालों को कुबा मस्जिद में नमाज के लिए जाने के लिए दुश्वारी ना हो, क्योंकि रास्ता ब्लॉक, ज़मीन मालक से बातचीत करके कॉरपोरेशन से उनको पैसा दिलाकर ये अगर प्लॉट मिल जाता है तो ये बहुत बड़े इलाके को नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मस्जिद जाने के लिए बहुत राहत हो जाएगी। इसके लिए हम लोग अपनी उसकी भी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए इस इलाके की आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि आज काम की हमने शुरुआत की, इस इलाके में कई रास्ते तामीर हो रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो भी रास्ते बचे हैं इंशाल्लाह हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद मज़ीद अभी बहुत सारे काम शहर के अंदर तामीर होना बाकी है। ये एक 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 रास्ता हम लोग मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये फंड जैसे ही ख़त्म होगा, हमारी मुझे उम्मीद है कि हुकूमत हम लोगों को मज़ीद फंड देगी और हम लोग काम करेंगे।